आज इस समय लाइव आने का जो मेरा उद्देश्य है, दो दिन से थोड़ी व्यस्तता थी और विचार किया कि जो देश में बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, उस निर्णय के बारे में अपनी ओर से आप तक बधाइयां पहुंचाई जाएं। लेकिन व्यस्तता के कारण शायद संभव नहीं हो पाया। और फिर आज जब सुबह हम सब प्रातःकाल जागे तो सबने एक बड़ी दुखद घटना को सुना कि हमारे देश की पूर्व विदेश मंत्री और जिनको लोकतंत्र की महानायिका भी कहा जाता है, कुछ लोग उनको आयरन लेडी के नाम से भी पुकारते हैं, उनका अकस्मात निधन पूरे देश में एक बड़ा दुखद प्रसंग हुआ। सबने जब इस बात को सुना तो हर व्यक्ति अपनी अपनी संवेदनाएं, अपना अपना दुख प्रकट कर रहा है। देखिए, कोई भी इंसान इस दुनिया से जाता है तो ज़रूर उसके प्रति सबकी संवेदनाएं होती हैं, किंतु जब एक व्यक्ति जिसने समाज के लिए कुछ अच्छा किया हो, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनी पूरी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया हो, तो सब लोग उसके बारे में जो भावना रखते हैं वही इस बात को दर्शाती है कि उसका जीवन कैसा रहा। और शायद आप भी जो लोग अभी जुड़े हुए हैं उन्होंने भी देखा होगा कैसे पूरा देश केवल श्रद्धांजलि ही नहीं, उनकी प्रशंसा, उनके कार्य की, उनके व्यक्तित्व की, उनकी देश प्रेम की, इतनी निष्ठा से जो उन्होंने अपने देश के लिए किया, उनका वक्तित्व, मुझे भी कई बार उनके भाषणों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। और वैसे भी ऐसा बहुत कम होता है कि एक अच्छा नेता बड़ी अच्छी बात लोगों के दिल तक पहुंचा पाए, तो वो इस काम में निपुण थी और बहुत अच्छे शब्दों के द्वारा, मुखर वक्ता जिसको कहा जाए, मुखर वक्ता के रूप में उन्होंने अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया और उसमें वो सफल भी हुई। विदेश मंत्रालय जब उनको सौंपा गया तो उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो देश के लिए अत्यंत हितकारी थे। और जैसी मुझे सूचना मिली, उनका जो अंतिम जो ट्वीट था उसमें भी उन्होंने यही कहा, जब आर्टिकल 370 पारित हुआ यानी उसको मुक्त कराया गया, तो उनका लास्ट ट्वीट जो था उसमें भी उन्होंने यही लाइन लिखी कि मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी, पूरे जीवन भर मैंने इसी दिन की प्रतीक्षा की है। तो सचमुच वी हैव लॉस्ट अ वेरी ब्रेव वुमन हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड सो मैनी थिंग्स टुवर्ड्स आवर कंट्री। और आशा करते हैं, भगवान श्री राधे गोविंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनको अपनी आत्मा में शांति, अपने चरणों में उनको लगाएं, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके उद्देश्यों को, जो उनका लक्ष्य था अपने देश के लिए, उसको हम सब मिल करके आगे पूरा करते रहें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी कुछ काल में जो अच्छे निर्णय लिए हैं देश के प्रति, कई बार लोग पूछ लेते हैं आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं, ना तो मैं पार्टी का समर्थन में विश्वास रखती हूँ और ना किसी एक विशेष व्यक्ति से कोई समर्थन है। हाँ, जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो नेता, जो भी इस देश के लिए अच्छा करना चाहेगा उसका हम सब और शायद सब देशवासी मिलकर के समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो 370 जो आर्टिकल हटाया गया है वो भी एक देश के लिए ऐतिहासिक कदम रहा है। भगवान करे ऐसे अच्छे कदम देश के लिए दिन ब दिन आते रहें
और ये देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, आप सबकी जो इच्छा है, देखिए भारत देश के हर व्यक्ति की इच्छा है कि मेरा देश आगे बढ़े, एक बस अच्छे लोकतंत्र में एक ऐसा मोड आना चाहिए जहां हर व्यक्ति अपने आप को इस देश से जोड़ सके, और कहीं ना कहीं हर देशवासी आज अपने आप को देश के प्रति समर्पित महसूस कर पाता है। चंद्रायन हुआ या फिर 3 तलाक की बात हुई और 370 आर्टिकल हुआ, तो ये देश ऐसे ही आगे बढ़े, देश के ऐसे नेताओं को सम्मान मिले जो देश के लिए समर्पित हैं, जैसे हमारी सुषमा स्वराज जी, जिन्होंने अपने देश के लिए हमेशा अपने हृदय में अच्छी भावना रखी। तो भगवान से बस यही कामना है, यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को श्री ठाकुर जी शांति दें और सदा सर्वदा देश में ऐसे अच्छे व्यक्तित्व आते रहें जो इस देश को और भी आगे बढ़ाएं। इस आशा के साथ आप सभी को जो आज यहाँ मुझसे जुड़े हैं, आप सभी को राधे राधे, प्रणाम, बहुत प्यार भरा जय श्री कृष्ण।